सो हेलो यार दोस्तों, गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है भाई, एक टेक और एक बार या। सो हेलो यार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून से ऊपर हो चुका है, इवनिंग हो गई है। क्या हाल चाल बोलते हैं वगैरह। सो हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई, सभी लोगों के स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर। सो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, कितने बज रहे हैं भाई, अभी 4 बज चुके हैं, शाम के 4 बजे से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और इतने लेट इसलिए ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं भाई आज फिर से भाई नाइट कैंपिंग करने। ये झोला आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आज ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, नज़दीक ही जा रहे हैं, इसलिए टाइम से नहीं निकले हम लोग घर से। 3 बजे निकलना था, 3:30 बजे हम लोग घर से निकले, अभी आधे रास्ते में ब्लॉग शूट हो रहा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जगह का नाम भी पता नहीं है, किसी और ने बता रहा कि हम लोगों को लोकेशन, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। ये अपना झोला लेके, ये देखो भाई, ये बैग इतना भारी हो रहा है, इसमें कंबल भी रखा हुआ है और सामान भी रखा हुआ है। और साथ में भाई ये देखो, 26 जुल्फिकार गाँव के देसी कलाकार, तो दोनों हम लोग फिर से जा रहे हैं मचाने, तगड़ा वाला सीन होने वाला है भाई, फिर से मज़ा आने वाला है आप लोगों को बी पहाड़ी के ब्लॉग में, कैंपिंग के ब्लॉग में। तो सामने वाला व्यू देखो भाई कितना ज़बरदस्त है, और हम लोग इससे बहुत दूर जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं भैया? हम जाने वाले हैं डुंगरी के ठीक ऊपर, धार में खास बोलते हैं उधर, उधर बल चौक छल भी पूजे हैं। चल देखते हैं इसको आर्डर आएंगे रात को। तो चलो भाई, फिलहाल अभी ये डब्बा नीचे गिर गया था भाई, थोड़ा सा बच रखा है, उस पानी का डब्बा है, उसमें बैटरी रखी हुई है बल्ब जलाने के लिए। और ये हमारे साथी, हमारे प्रिय साथी कुल्हाड़ी, तो ये देखो भाई ये कुल्हाड़ी यहाँ से टूट रखी है, फिर भी भाई हमारा बहुत साथ देती है। तो चलिए फिलहाल निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ, और डर भी लग रहा है भाई, कब से नाइट कैंपिंग नहीं की थी, फिर से निकल चुके हैं, कुछ छूट तो नहीं गया भाई यहाँ पर। हम ऐसे ही कंगले आदमी है भाई, क्या है हमारे पास। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, और सामने यहाँ पर मुरोड़ा की छन्नी भी दिख रही है, छन्नी मतलब गौशाला ही दिख रही है भाई। सुबह अभी आज रास्ते में पहुंच चुके हैं हम लोग, यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं भाई, हालत ख़राब हो चुकी है ठंड से भी और थकान भी लग चुकी है। यहाँ से हम लोगों को पानी भर के लाया जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ना पानी की एक ही कैन लेकर आ रखे हैं भाई घर से, तो उसे भर के लाया जाना पड़ेगा यहाँ से। और ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाना है हम लोगों को, जहाँ पर कि हम लोगों को अच्छी जगह मिल पाए टेंट लगाने के लिए और आज नाइट स्टे करने के लिए। भाई यहाँ आकर ना भाई पानी की वैल्यू पता लगती है भाई, कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है भाई, इतना इतना पानी बचाना पड़ता है। एक ही कैन ला रखी है, आज रात से लेकर कल सुबह दिन तक भाई यही पानी चलाना हम लोगों को, एक डब्बा। तो चलिए भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां पर हम लोगों को आना था भाई। इस जगह का नाम सिर्फ सुना था कि यहाँ पर अच्छी जगह है नाइट कैंपिंग करने के लिए, और फाइनली आज पहुंच भी चुके हैं हम लोग। ये देखो बैग वगैरह हम लोग ने ऐसे ही छोड़ दिए हैं, और एक बारी जगह देखो भाई आप लोग, एक देखो अभी अंधेरा होने वाला है, क्या लगभग हो चुका है अंधेरा, तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, कल सुबह दिखाएंगे आप लोगों को। तो पूरा बुग्याल टाइप का है भाई, ये देखो बहुत बड़ा है, देखो चारों तरफ, तो ये देखो ये रहा भाई बुग्याल, देखो कितना बड़ा वो है। हमारी पहाड़ी भाषा में लोकल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं धमाल भाई। तो हम लोगों को यहाँ पर सही लगा कि यहाँ पर हम लोगों को टेंट पिच करना है, और आज का नाइट स्टे हम लोग यहाँ पर करेंगे, टेंट लगाएंगे। उससे पहले हम लोग लकड़ी लेकर आएंगे भाई ऊपर से, जंगल से ढूंढ के, चारों तरफ जंगल, बीच में हम लोग नाइट कैंपिंग कर रहे हैं भाई। तो अभी कुल्हाड़ी पकड़ के चलते हैं, कहाँ लकड़ा लेने भैया, बैग वगैरह ऐसे ही छोड़ दिया हम लोगों ने भाई। सबसे पहले तो आग जलानी है भाई, क्योंकि जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा डर है, कहीं से भी आसपास से अगर जंगली जानवर टपक गए तो हम लोगों को टपका देंगे भाई। सो चलिए भाई लकड़ियाँ भी कलेक्ट कर लिया है, काफ़ी है भाई हमारे लिए आज रात के लिए इतनी। वैसे ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई ठंड में मत जाया करो, ठंड लगती है, लेकिन हम लोग पहाड़ी हैं भैया, हमको ठंड नहीं लगती। बर्फ़ में हम लोग नाइट कैंपिंग करके आ गए, आज तो बर्फ़ भी नहीं पड़ रही है, मौसम भी ठीक ठाक हो रखा है देखो। तो इतनी लकड़ियाँ बहुत है, और अभी सबसे पहले चूल्हा बनाते हैं और इन पे आग जलाते हैं और उसके बाद भाई टेंट पिच करेंगे। हाँ, तब से हम कैंपिंग इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि हम बर्फ का इंतजार कर रहे थे कि कब बर्फ पड़े और हम तुमको इतनी तगड़ी वाली कैंपिंग दिखाए ना। इस बार तुम्हारी किस्मत ही नहीं है, कोई विश कर लो यार कि बर्फ पड़ जाए तब ऐसी कैंपिंग दिखाएंगे ना तुमको। आज भी मौसम खराब हो रखा था इसलिए हम लोग निकल गए घर से। हम लोगों को विश्वास था कि आज रात को बर्फ पड़ेगी तो मजा आ जाएगा, लेकिन नहीं पड़ी भाई। तो चलिए पहले काम निपटा लेते हैं यार फटाफट। तो चलिए यार भाई लोग, टेंट का सेटअप हम लोगों ने कर लिया है। ठंड की वजह से ढंग से बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हाथ इतने लाल पड़ गए अभी से ही देखो। तो अभी यहाँ से ये ना गीला हो रखा है यार, सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये गीला हो रखा है, जबकि आजकल बारिश भी नहीं होती। देखो लास्ट कैंपिंग जब गए थे ना उस टाइम से बाहर नहीं निकाला था तो पूरा गीला हो रखा है भाई। लास्ट टाइम हम लोग बरसात के टाइम पे गए थे कैंपिंग तो पूरा गीला हो रखा है भाई। अभी देखो बास आ रही नहीं इसके अंदर, माँ की कसम कोई झड़ जाएगा। अभी देखो पोछा मारने पे लगा हुआ है भाई, अंदर हल्की सी नमी टाइप की आ रखी है उसके अंदर, पता नहीं क्यों यार, कब से खोल नहीं रखा था उसे। तो अभी देखो बैग भी ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, आग भी नहीं जला रखी है। सबसे पहले बैग समेटने है, उसके बाद आग जलानी है और सबसे पहले क्या करना है, चाय बनानी, चाय पीनी है भैया। मुझे पता था चाय पियेंगे भैया। तो चलिए भाई बैग भी अंदर रख लिए हैं हम लोगों ने, अभी इनमें से सामान भी निकालना है। तो क्या बोले, नाक से छिंगाड़ आ रहा है और हाथों से ये देखो चमड़े चमड़े हाथ हो गए भाई। ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पर भाई। रात को देखते हैं क्या हाल होते हैं, फिलहाल अभी खाने की तैयारी करते हैं, चाय पीने की। चलिए तो चलिए यार भाई लोग, आग भी जला ली हम लोगों ने और सामने देखो भाई कितनी भयंकर आग जलने वाली है। थोड़ी देर बाद और ख़तरनाक जलेगी। ये आग इसलिए जला रखी है हम लोगों ने क्योंकि हम लोग हैं घनघोर जंगल में, बहुत ही डरावना जंगल है, यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं तो इसलिए उनका डर है कि कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने बड़ी वाली आग जला रखी है। और ये वाली आग इसलिए जला रखी है, चूल्हा बना रखा है, खाना बनाएंगे यहाँ पर, चाय बनाएंगे यहाँ पर, मौज काटेंगे यहाँ पर भाई। तो ये अभी खाना बनाने के लिए ये ला रखा था मैं स्पेशल ऊपर से, तो इसे बारीक करना है, अभी इसको बारीक करते हैं भाई खाना बनाने के लिए। लोग दिखाते हैं सनसेट सनराइज, हम दिखा रहे हैं भाई मून राइज। ये देखो अभी जस्ट पेड़ों के बीच से निकलते हुए बाहर आ गया भाई चांद। ये देखो कितना प्यारा नज़ारा है भाई यहाँ से। ये देखो सामने से चांद और यहाँ पर हमारी आग जल रखी है। यहाँ पर हमारा चूल्हा लग रखा है जिसमें कि निमुजान हो गया, मतलब आग नहीं जल रही है क्योंकि बहुत बारीक हो रखा है ना, इसलिए आग नहीं जल पा रही है, हवा पास नहीं हो पा रही, शक्करा हो रखा है भैया वो। और इसके लिए सामान दिखाते हैं आप लोगों को कैसे बिखेर रखा हम लोगों ने। ये देखो ये सामान ऐसे बिखरा हुआ है कि जैसे इसका ग्वालगुशी नहीं होगा, ग्वालगुशी मतलब इसका मालिक नहीं होगा जैसे। तो अभी इन्हें समेटना है, उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे। उससे पहले हम लोग आग सेकते हैं भाई। आग देखो ज़बरदस्त वाली आग जला रखी है भाई, मज़ा आ रहा है इसमें। तो चलिए भाई प्याज भी कट चुकी है, हरी मिर्च भी ला रखी है वो भी कट चुकी है। और अब हम बनाएंगे भैया मटर पनीर। पनीर भी लेकर आ रखे हैं। पनीर कहाँ है? इधर को है, इधर इधर टैंड के बाहर साइड। और मटर पनीर के मजे लेने वाले हैं हम लोग आज। और जितना भी कूड़ा कर रखा था ना, ये देखो भाई एक थैले में बांध दिया हम लोगों ने। कल इसको फेंकेंगे या तो जला देंगे, जलेगा तो नहीं हो क्योंकि मटर के छिलके हो, उनसे कुछ नहीं होता। यहाँ पर ना भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मज़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई पीछे आप लोग देखो चांद दिख रहा है भाई बिल्कुल क्लियर, और चारों तरफ का व्यू भी दिख रहा है भाई। फ़ोन से नहीं दिखा सकते आप लोगों को क्योंकि फ़ोन से अंधेरा दिखेगा। तो अभी हम लोग पहले मटर पनीर बनाएंगे, उसके बाद रोटी बनाएंगे और फिर लेंगे मजे। भाई साहब इधर देखो जरा, ये कहाँ है भैया? अबे तेरे सर के ऊपर दो चश्मे लगा रखे उसने। रात को आंखें कम दिख रही ना मेरे को। मस्त कटिंग कर उसकी। अब इतना मोटे क्यों कर रहा है उसको? उसको मैं पतला करूंगा ना, बिल्कुल बारीक काटना है उसको। गाइस आग लगी तेरे मुखड़े में। तो ये लो भाई मटर पनीर बनकर रेडी हो चुका है हमारा। तो अब यहाँ पर भाई आटा लगाएंगे भाई। सबसे पहले इतना बर्तन नहीं है हमारे पास भाई, इसमें ही लगाना पड़ रहा है हम लोगों को आटा। ये खने बने एडवेंचर। अब इसमें सारी लकड़ियाँ डाल दी यार, मैंने कहा अभी मत डाल, बाद में जलाएंगे आग। खाना खाने के बाद मस्त करके आग सेकेंगे, उसके बाद सोएंगे। और चाँद देखो कहाँ तक पहुँच चुका है, क्या ज़बरदस्त लग रहा है भाई। ये देखो मज़ा आ गया भाई। तो भाई कुछ लोगों का कहना क्या होता है कि भाई क्यों करते हो तुम लोग कैंपिंग, क्यों जाते हो, ये ड्रामा क्यों करते हो? तो बताएं आप लोगों को क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, इसलिए करते हैं, इसलिए करते हैं, इसलिए करते हैं और इसलिए करते हैं भाई। जो इस सामने के नज़ारे दिख रहे हैं, ऊपर से चांद का व्यू दिख रहा है ना, और भाई यहाँ पर जो मज़ा आ रहा है आग सेकने में, खाना बनाने में, और सबसे तगड़ा उसके लिए जो सुकून मिल रहा है ना हमें, टेंशन फ्री होके, टेंशन फ्री, आज़ादी, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मन मर्जी की लाइफ उसके लिए करते हैं। सबसे मीन है गाना गाओ, खाना खाओ, चाय पीनी है चाय पियो, आग सेकनी है आग सेको, और नज़ारे देखने नज़ारे देखो, प्लस सोना है तो सो भी सकते हो भाई। टेंट भी है साथ में, कंबल वगैरह भी लेकर आ रखे हैं, सोना भी होगा तो सो भी जाओ। और एक चूल्हा स्पेशली बना रखा है खाना बनाने के लिए। तो भाई एक एडवेंचर लाइफ बोल सकते हैं इससे अभी, जो कि हम लोग अभी स्पेंड कर रहे हैं। क्यों जुल्फिकार भाई तगड़ा लग रहा है भाई आज, काला नहीं लग रहा है तो आज फोन थोड़ा जेन्युइन आ गया ना। आग का फिल्टर लग रखा है सीधे उसके फेस पर, इसलिए हाँ। इतना ब्लैक नहीं लग रहा है भाई वो। वैसे ऐसे में वो एक्चुअल में गोरा ही हो ना, लोग बोलते कि दिलवाल मेरा गोरा है, पर मैंने एक दिन चेकअप कराया वो थोपड़े से काला निकला भाई एक्चुअल में। अरे वो तो बालों की वजह से थोड़ा बालों का इफेक्ट पड़ जाता है उसके फेस पे, इसलिए वो थोड़ा काला सा लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा काला है नहीं वो वैसे। तो अभी भाई रोटी बनाने की तैयारी भी हो चुकी है, आटा भी लग चुका है, और अब पैन भी चढ़ा दिया भाई। इसी में हम लोगों ने मटर पनीर बनाया था और इसी में हम लोग रोटियां बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास बर्तनों की बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं, थोड़ी बहुत कमी है। आटे में हम लोगों को उसी में लगाना पड़ा, रोटियां भी उसी में बना रहे हैं, मटर पनीर भी हम लोगों ने उसी में बनाया। और जो दूसरा बर्तन था उसमें हम लोगों ने रखा है मटर पनीर। आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी, फ़ोन बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है भाई। चलिए भाई रोटियाँ बनाते हैं। आटा कैसा लगा रखा है जुल्फिकार ने, देखते हैं। वाह 15 पेड़ों बनो एक साथ की साथ में की और बाण बनो हो जाए भाई। कुछ तड़कता भड़कता गाना सुना दे यार, पब्लिक को पब्लिक बोर हो गई। जीरो टू दिखोने के कार तो बाल बैग जैसे नहीं। अरे बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ रही है भैया, ठंड की वजह से आटा बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। ये चाकू फरकौन भी चितवेला राका बालिए बाले काली रात निब्याणी मेरी रात निब्याणी उसका बूंदन कजी तीस नि जानी मेरी तीस नि जानी 15-25 दिन सदनी नि रोंदा 15-25 दिन सदनी नि रोंदा ऐ जदी बग्यानी छाठो रे सरवट सरवट रोड पैगो। आज जबू जुल्फिकार का ब्रेकअप हो रखा है, तो एक गाना सुनाना चाहता है कि जय का बाना बोल या बण्यू इन्हें भी मैं बोल या मगण्यू। सुना दे भाई कि जय का बाना बोल या बण्यू इन्हें भी बोल या मगण्यू बाना जय बण्यू यू रोड बन को बोले पार जय का बाना जय का बाना बग्यू गाड़वे बनी वे बनी और जरे माछा मनू जय का बाना बोला बण्यू जय कबाना। तो चलिए भाई लोग, भाई अभी रोटियां भी हम लोगों की बन चुकी है और पनीर देखते हैं भाई पनीर का क्या हाल हो रखा है। यहाँ कहीं बर्फ तो नहीं जम गई इसमें? पकड़ तो इसको। ये भाई साहब पनीर में तो मजा आने वाला है आज खाने में। वैसे ज्यादा बना लिया हम लोगों ने, 2 आदमी के लिए ज्यादा हो गए क्या? कोई नहीं, क्या कहना चाहोगे सर? मेरे को तो लगता कम पड़ेंगे रोटियां भी पनीर भी। अभी हमें चाय के साथ बंद खाने पड़ेंगे बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है भाई ये, क्योंकि हम ना इतने दूर चल के आए, भूख लग गई थी हमें। मैंने दिन में भात भी 2 बार खाया था, 3 बार सपोर्ट दिया होगा तूने, तो अभी मन तो कर रहा है भाई सीधे टूट पड़े, लेकिन वीडियो बनाना भी जरूरी है भैया। और जो मजा आ रहा है ना भाई, जो मजा आ रहा है ना भाई, यहाँ पर जो सुकून मिल रहा है भाई, कभी आना आप लोग और खुद आके आप लोग महसूस करना भाई कि क्या होता है एडवेंचर भाई। इस टाइप से नाइट कैंपिंग करना, खाना बनाना, खाना खाना और एडवेंचर करना क्या होता है आप लोगों को खुद पता लग जाएगा। हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, बस आप लोग वीडियो देखकर एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए तैयारी करते हैं आप रोटी खाने की। रोटियाँ ठंडी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है और पनीर भी हमारा गर्म हो चुका है। अभी चलिए लगाते हैं खाना और खाना खाते हैं भाई सीधे। तो भाई भूख लग रखी है ज़बरदस्त वाली, आ जाओ भाई आप लोग भी खाने के लिए। तो खाना भाई सच बोलूँ ना, इस टाइप से जैसा हम लोग कैंपिंग आते हैं, खाना बनाते हैं, तो खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और बहुत सारे कैंपर आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे कि बोलते हैं भाई ज़बरदस्त हो रहा है, टेस्ट आ रहा है, मज़ा आ गया। तो इसलिए आता है वो टेस्ट, हम बताएं क्यों आता है, तू बता भाई। गाइस उतनी दूर से तो चल के आ रहे हैं, अंधड़े इधर पेड़ में चूहे नाच रहे हैं, भूख इतनी तगड़ी लगती है ना। जब भूख लगती है ना आदमी को, कुछ भी खाए टेस्ट आएगा ही आएगा। तो ये बात है भाई, खाने में टेस्ट आने का यही कारण है। जैसे हम लोग कहीं काम जाते हैं ना, वहाँ हम साथ में रोटी लेकर जाते हैं, तो सूखी रोटी में भी टेस्ट आता है। उसी टाइप से अगर कैसा भी बना होगा ना जंगल का खाना, तो उसमें टेस्ट आता ही आता है भाई, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है जब तक कि पेट ना भर जाए। तो यहाँ पर आग भी सेक लेंगे, खाना भी खा लेंगे भाई मस्त करके। मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा होगी और साथ में हरी मिर्च भी ला रखी है भाई। तो चलिए भाई अभी खाना भी खा लिया हम लोगों ने और सारे बर्तन वगैरह भी समेट लिए हैं। जो बर्तन जूठे थे वो भी धो लिए हैं, जितना कचरा था वो जला लिया है। अभी थोड़ी बहुत लकड़ियाँ लेकर आए हम लोग ऊपर से और आग सेक रहे हैं भाई। यहाँ जस्ट बगल में नेटवर्क आ रहे थे, तो हम लोग नेट चलाने गए वहाँ पर। 10 मिनट नहीं हुए भाई, पूरी बर्फ़ जम गई थी भाई पीछे से भी और हाथों पर भी भाई, इसलिए भाग भाग के आए लकड़ी लेके और फिर से आग जला ली भाई यहाँ पर। तो अब टेंट के अंदर घुसना है कंबल लेके। कंबल पहले गर्म करेंगे भाई, यहाँ पर आग के ऊपर कंबल गर्म करना पड़ेगा और उसके बाद भाई टेंट के अंदर। भाई टेंट के ऊपर से भाई पूरी बर्फ़ जम गई है। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, टेंट के ऊपर से पूरी बर्फ़ जम रखी है भाई। ये देखो भाई, जितनी भी पानी की बूंदें थी ना ऊपर से, पूरा पाला बन गया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जम रखी है भाई पूरी बर्फ़। तो आप लोग ठंड का अनुमान लगा सकते हो कि ठंड कितनी तगड़ी हो रही है। और एक ने अंडे लटका रखे यहाँ पर, ये देखो। ये सुबह भाई बर्फ़ बन जाएंगे, पक्का विश्वास है मुझे कि ये बर्फ़ बन जाएंगे भाई सुबह तक। ये देखो भाई साहब, और इस पर भी देखो भाई, पूरा टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में जा रखा है भाई। वो तो हम लोगों ने आग जला रखी है ना, इसलिए हम लोगों को उतना फील नहीं हो रहा है ठंड का, क्योंकि हम एकदम से आग के सामने आ जा रहे हैं आग सेकने भाई। देखो ना होठों पे तेरा एहसास रह जाता है, मेरे दीवानेपन को सुकून मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। जुकाम लग गया भाई, जुकाम इतनी ठंड हो रही कि जुकाम भी लग गया है। पैर तो जैसे ही जूते उतारे ने भाई बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। और अभी क्या करना है, ये कंबल है डबल बेड का कंबल, इसके अंदर भी ठंड लग रही है। फिलहाल तो अभी ठंड लग रही है, जैसे जैसे बॉडी टेम्परेचर से कंबल हिट हो जाएगा, अगर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हिट तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद सुकून मिलेगा। भाई नींद तो मुश्किल लग रहा है मुझे, कितनी ठंड में नींद आ पाएगी। स्लीपिंग बैग होते तो तब ठीक होता, लेकिन स्लीपिंग बैग गरीब है भैया हम, गरीब है बहुत ज्यादा गरीब है हम। नवे स्लीपिंग बैग हमारे घर ही रह गए, स्लीपिंग बैग हमारे घर ही रह गए, जो कि हमारे पास है नहीं भाई। तो अभी यार सो जाते हैं। और लाइटें दो दो जला रखी है, एक ये जला रखी है और एक ऊपर जला रखी है भाई, यहाँ पर नाइट मोड वाली लाइट। ये देखो इसके, इसने तो प्राण त्याग दिए अपने, ये जल रही है अभी, ये पता नहीं कब त्यागेगी प्राण। और अब सो जाते हैं और सीधे मिलते हैं आप लोगों को भाई कल सुबह। रात को देखी जाएगी क्या होता है क्या नहीं होता है भाई, कोई जानवर आएगा तो अगर हम जिंदा रहे तो आप लोगों को भी दिखाएंगे, नहीं रहे तो फिर आप लोग समझ लेना कि हम नहीं रहे भाई, बिल्कुल ही नहीं रहे। तो ठीक है, मिलते हैं कल सुबह। फिलहाल अभी टाटा बाय बाय, चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को सीधे कल सुबह। चलिए भाई, गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग यार दोस्तों। भाई अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज ठंड से इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होगी, पता नहीं भाई, आज पहली बार इतनी ज़्यादा ठंड लगी। पूरा जो टेंट है उसके ऊपर पाला जम रखा है, बर्फ़ ही बर्फ़ जम रखी है भाई, चैन भी नहीं खुल रहे थे भाई। अभी जुल्फिकार अमर सो रखा था, उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगी, वो बाहर चला गया आग जलाने के लिए भाई। दिखाता मैं आप लोगों को, पूरा बर्फ़ जम रखा है भाई टेंट पे पूरा। ये देखो भाई साहब, ये अब धूप में ही निकलेगा भाई, ऐसा तो नहीं निकलेगा ये। देखो ये भाई बर्फ़ अंदर आ रही है यहाँ। ये देखो भाई, भाई साहब तभी तो भाई ठंड लग रही थी। खुल जा खुल जा खुल जा, अरे भैया खुल जा, बर्फ़ अंदर नहीं होनी चाहिए भाई। ओ भैया काम आग जला रहा है भाई लौंडा। ये देखो बाहर जाने का तो मेरा मन नहीं कर रहा है सच बोलो तो। और सामने से भाई क्या प्यारा नज़ारा दिख रहा है भाई चांद का। ये देखो ठंड भी उतनी खतरनाक लग रही है ना भाई। ये देखो चांद यहाँ तक पहुँच गया भाई, और सूरज पहुँचने वाला होगा पीछे पीछे है। आग जला बोला, आग जला, मैं सो जाता हूँ ठीक है। चलिए यार, जब तक ये आग जलाता है तब तक मैं एक नींद पूरी कर लेता हूँ भाई, रात को तो नींद आ गई। ओ भाई साहब, पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ अंदर भाई, बर्फ़ नहीं मतलब पाला बोल सकते हैं इसे, पूरा अंदर आ गया भाई। यहाँ बोतल भी जम गई होगी एक साइड से, पानी की बोतल भी यहीं रखी हुई थी। थोड़ा सो जाता हूँ दोबारा से, फिर देखी जाएगी भाई आगे। तो अभी भाई टाइम 7 बज चुके हैं और अब बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को भाई कैसा हो रखा था। अभी उठ रहा हूँ मैं एक नींद पूरी करके भाई। ये देखो भाई ऐसी हालत हो रही है भाई, पूरा पाला पड़ा है भाई, पूरा जितना भी ये बुग्याल दमाल दिख रहा है आप लोगों को, पूरे बुग्याल में पाला जम रखा है भाई। और यहाँ पर जब्बू जुल्फिकार ने आग जला रखी थी, लेकिन पता नहीं कहाँ भाग गया आग जला के। और मैं भी निकलता हूँ अब बाहर भाई, आग तापते हैं। और धूप भी निकल कर आ चुकी है भाई। ये देखो भाई आग जला रखी थी उसने यहाँ पर, और पूरी आग बुझ गई है। आग तो नहीं बुझ रही है, मतलब रह रखी है थोड़ी बहुत। और अभी ये देखो क्या कर रहा है ये, यहाँ पर एक पेड़ है वहाँ पर सूखा हुआ, उसे काट रहा है भाई। देखो टेंट से पूरे हाल हो रखे हैं भाई, पूरा टेंट के ऊपर ना पाला जम रखा है। दूध भी बाहर रखा था, दूध भी जम गया होगा भाई मेरे हिसाब से। दूध जमा होगा तो गाली खाएगा तो अब ना ना भाई, दूध नहीं जमा हुआ है। पानी में भी बर्फ़ जम जा रही है भाई सुबह सुबह। ये तो नहीं बन रखा है बर्फ़ ना, ये भी नहीं जम रखा है भाई। और ये हमारी कल रात की रोटी बच रखी थी यार। भाई साहब खतरनाक हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है ये। हाँ ये हालत हो रखी है पनीर की, देखो ये जम रखी है भाई, पूरी बर्फ़ जम रखी है भाई। अब ठंड का एहसास कितना होगा वो आप लोग ज़रा वो कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो भाई। देखो पनीर का टुकड़ा भी बिल्कुल बर्फ़ बन रखा है भाई। भाई साहब पानी का हाल भी भाई, बर्फ़ देखो नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, पूरी बर्फ जम रखी है भाई अंदर, पानी के अंदर भी। तो भाई अभी टाइम कितना हुआ, 8:30 नहीं 9 बज चुके हैं और हमने कहा था 9 बजे से हम नाश्ता बनाना शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी। देखो आग सेक रहा है अभी, सुबह से बैठा हुआ है यहाँ पर। नाश्ते में हम लोग बंद लेकर आ रखे हैं, साथ में अंडे लेकर आ रखे हैं। अंडों की पहले नहीं, बंद को थोड़े बीच में से खोलेंगे, अच्छा उसके अंदर घप्पा अंडा फ्राई करके डालेंगे, फिर गरचम गरचम खाएंगे उसे। अरे सीधे बोलना कि बन टिक्की बनाएंगे, बन टिक्की नहीं बनाएंगे, मतलब बर्गर टाइप का बनाएंगे एक, तो उससे काम चल जाएगा। फिर यहाँ से पैकिंग करके निकल जाएंगे घर के लिए, या तो देखते हैं कहाँ चलते हैं। भाई अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है, बने रहना ब्लॉग में लास्ट तक। जब पता मैंने कैमरा खोला उसके बाद एक लकड़ी ढंकी आई, नहीं तो एक कुर्चमार कर दे रहा होगा। जंगल घूम गया सुबह से और एक भी ढंकी लकड़ी लेकर नहीं आया। और ये देखो लकड़ी पड़ी है यहाँ पास में। कसम से गाइस ये उठनी था, मैंने एक मुर्दे फूकने लायक लकड़ियों से आग जगा दी थी तब तक। ये देखो और निकालूं यार, पीछे पीछे मेरी सोजड़ा लेक। तो अभी यार हम लोगों ने टेंट भी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि भाई वहाँ पर ना अभी तक धूप निकल कर नहीं आई है। भाई जो पाला जम रखा है वो भी अभी नहीं पिघला भाई, और टेंट के ऊपर का पाला भी नहीं पिघला था, इसलिए हम लोगों ने इसे दूसरी जगह पे सेट कर लिया है। और यहाँ पर सूख जाएगा तो उसके बाद इसे क्लोज करेंगे भाई। और जो हमारा नाश्ता बन रखा है वो ये रहा भाई, ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा यार, जल्दी बना लिया हम लोगों ने। चाय के साथ खाएंगे बन टिक्की, अंडा बंद बोल सकते हैं हम लोग इसे। और एक चीज और दिखाते हैं आप लोगों को, इसके अंदर ये देखो पूरी बर्फ जमी है, टेंट के अंदर भी बर्फ जमी थी, टेंट के अंदर रखी थी हम लोगों ने। देखो ओए गिरा मत यार, पानी चाहिए, बर्फ धोने के लिए पानी चाहिए। जो ये बंद बना रखे थे हम लोगों ने, इतने हार्ड हो गए ना, यहाँ से खींचना पड़ रहा है उन्हें। तो अभी भाई टाइम 10:30 बज चुके हैं और अब जाके हमारी तैयारी हो रही है भाई घर जाने की। अभी हम लोगों ने टेंट भी क्लोज नहीं किया, बर्तन भी क्लोज नहीं किए थे, अभी जस्ट लेकर जा रहा है ये। तो अभी फटाक से इसे क्लोज करते हैं, पैकिंग करते हैं और निकलते हैं भाई यहाँ से घर की तरफ। भाई अभी बर्तन भी धोने हम लोगों ने, भाई आधे रास्ते में बर्तन भी धोने पड़ेंगे हम लोगों को, जहाँ पर कि नदी है नीचे। इसको देखो, इसको देखो भाई, बस खाने पे उसका जोर है। तो हो चुकी है भाई अभी पैकिंग भी, उठाते हैं बैग। और अभी तिरपाल फोल्ड नहीं किया भाई, इसे फोल्ड करना है। पकड़ते हैं बैग, निकलते हैं भाई। लोग यहाँ ना चारा लेने आ गए भाई, पता नहीं कितनी दूर से, इस साइड को गांव दिख रहे हैं यहाँ से, हल्के फुल्के डूंगरी से यहाँ पर आ रखे हैं भाई चारा लेने, लकड़ी लेने। अरे बेवफा तू सच बता, तुझे राम से क्या बैर है, क्या भरत बेटा है तेरा, रामचंद्र गैर है। तो भाई अभी हम लोग जोलीगाड़ी में पहुंच चुके हैं चलते चलते, और यहाँ पर सबसे बड़ा काम करना है, बर्तन धोने हैं। ये देखो पहले में बर्तन रखे थे हम लोगों ने, ज़्यादा भी नहीं है, 2 प्लेटें 3 प्लेटें हैं और एक फ्राई पैन और एक पैन। और अब चलते हैं यार यहाँ से घर, सीधे हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर। ब्लॉग में अब आगे कुछ दिखाने के लिए है नहीं आप लोगों को, तो आई होप यार आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा कैंपिंग का। तो अगर आप लोग बी पहाड़ी के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आप लोग पुराने हो तो लाइक करना, कमेंट करना, दबा के शेयर करना। इसी टाइप से आगे भी बी पहाड़ी की वीडियोस देखते रहना, बी पहाड़ी को सपोर्ट करते रहना। और आगे भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए इसी टाइप के एंटरटेनमेंट वाले ब्लॉग, कैंपिंग वाले ब्लॉग, डेली लाइफस्टाइल वाले ब्लॉग लेकर आता रहूँगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने दूसरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बी पहाड़ी ब्लॉग के नाम से, तो उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए वेट कीजिए आप लोग बी पहाड़ी के नेक्स्ट ब्लॉग का। टाटा बाय बाय।